दोस्तों गूगल की एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस गूगल आयो में हर साल की तरह इस बार भी हमें काफी सारे नए और एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स देखने को मिले हैं और मैं आपसे आज की अपनी वीडियोस में उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, कल तो मैं पूरा दिन सो रहा था क्योंकि मैंने परसों रात भर जाग के गूगल आयो में जितने भी इंपॉर्टेंट कीनोट सेशन थे उन सभी को लाइव देखा था। तो कल आपके लिए भी वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन फाइनली देर आए दुरुस्त आए। आज की अपनी वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा उन सभी अनाउंसमेंट्स के बारे में, तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर से देखिएगा जिससे आप ये जान पाएंगे कि आने वाले दिनों में गूगल अपने लिए क्या कुछ नया लेके आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करता हूं गूगल की एक नई कम्युनिकेशन सर्विस के बारे में। बेसिकली दो ऐसी एप्लीकेशंस, एक का नाम है एलो और दूसरी एप्लीकेशन का नाम है डुओ। एलो जो है वो एक टेक्स्ट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, यानी कि सिंपल एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, और डुओ जो है वो एक वीडियो कॉलिंग के लिए एप्लीकेशन है। ये दोनों ही एप्लीकेशन समर टाइम में रिलीज हो जाएंगी, यानी कि आने वाले 2 से 3 महीनों में, क्योंकि जो यूएस का समर टाइम है वो होता है करीब जुलाई अगस्त सितंबर। तो इन 3 महीनों में यानी करीब अगस्त सितंबर तक आपको ये दोनों ही एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी। ये आईफोन और एंड्रॉयड दोनों यूजर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये एक नॉर्मल मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है, इनमें काफी कुछ स्पेशल है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एलो की, तो ये काफी हद तक व्हाट्सएप मैसेंजर का एक अच्छा रिप्लेसमेंट होगा अगर आप करना चाहते हैं, या फिर फेसबुक मैसेंजर का, क्योंकि ये एक ऐसी मैसेजिंग सर्विस है जिसके अंदर आपको कोई भी आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे व्हाट्सएप में आप नॉर्मल फोन नंबर से आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, उसी तरीके से एलो में भी जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो डायरेक्ट एक फोन नंबर के थ्रू ऐड आपके लिए हो जाएंगे। उसके बाद में जब आप उनसे चैट करते हैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग जो इसका है एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आप नॉर्मल मैसेज नहीं भेजते हैं, ये एक मशीन लर्निंग के थ्रू आपको अलग अलग सजेशंस देता है। आप अलग अलग चीजें उनके साथ में कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई मैसेज भेजना है तो आप उसका साइज स्लाइड करके छोटा है बड़ा कर सकते हैं। ये छोटा फीचर है, काफी हल्का है, लेकिन फिर भी काफी एक्साइटिंग है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर एग्जांपल आपको मैसेज में किसी ने एक छोटे बेबी की फोटो भेजी, तो बदले में अपना रिप्लाई होता है कि क्यूट बेबी या अडोरेबल या कुछ भी, तो वो मशीन लर्निंग के थ्रू ऑटोमेटिकली एक तो आपके रिप्लाई से सीख लेगा कि आप किस पिक्चर के लिए क्या रिस्पांस देते हो, या इनफैक्ट आप किस मैसेज के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हो। उसके अलावा वो खुद से भी आपको सजेस्ट करेगा कि इस पर्टिकुलर मैसेज के लिए या इस पर्टिकुलर पिक्चर के लिए आप इन प्री डिफाइंड रिप्लाईज में से कोई भी एक रिप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे में आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो काफी हद तक जो प्रिडिक्शंस होंगी वो सही होंगी। आप इसे कोई बटन दबाइए और आपका काम बन जाएगा, तो ये काफी अच्छी चीज है। उसके अलावा आप विद इन ऐप जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी जैसे आपने देखा होगा गूगल नाउ ऑन टैप के बारे में कि गूगल नाउ ऑन टैप में आपके स्क्रीन पे जो भी है गूगल उन सभी चीजों को स्कैन करके और आपको एक बदले में रिजल्ट दे देता है। तो ये एक तरीके से गूगल नाउ ऑन टैप का एक्सटेंशन ही है कि एलो में आप जिस भी आपके कॉन्टैक्ट से जो भी आप चैटिंग कर रहे हैं तो उन सभी का एक रेफरेंस मान के आपकी बातों को समझ के एनालाइज करके वो आपको सजेशन देगा, और उसके अलावा आपको बताएगा कि आप अपने अगले मैसेज में क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। आप अगर कहीं बात करें डिनर की तो आप डायरेक्टली एक अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन वहां पर लेके आ सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं मूवी की तो आप डायरेक्ट किसी मूवी का रिव्यू वहां पे लेके आ सकते हैं। तो वो सभी चीजें, क्योंकि गूगल का सर्च इंजन पीछे इतना बड़ा है, आपके बारे में गूगल इतना कुछ जानता है कि जब आप मैसेज करते हैं किसी से तो वहां पे इंस्टेंटली आप बिना टाइप किए वो सभी चीजें जो आपके दिमाग में चल रही हैं वो एक तरीके से आप कैनवस पे लेके आ जाएंगे। तो एलो एक काफी अच्छी सर्विस होगी। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरी एप्लीकेशन, उसका नाम है डुओ। डुओ बेसिकली एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। अगर हम कहें 1-to-1 यूज पे आएगी तो आप चाहे बात करते हैं स्काइप की, चाहे हैंगआउट्स की, चाहे हम बात करते हैं जो फेस टाइम है एप्पल का उसकी, चाहे हम बात करते हैं अपकमिंग व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के लिए, तो जहां भी हम बात करते हैं 1-to-1 वीडियो कॉलिंग की, तो वहां पे उन सभी का एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है। ये भी सेम तरीके से काम करेगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर जो है वो अटैच होगा, उसके थ्रू आपके सभी कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर है, इसको हम बोलते हैं नॉक नॉक। इसमें क्या होता है कि कोई भी यूजर जब आपको कॉल करेगा तो आप कॉल बिना पिक किए भी सामने की तरफ वो यूजर कैमरा में आपको कैसा दिख रहा है बेसिकली वो उसका प्रीव्यू अपने स्क्रीन पे डायरेक्टली देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप कॉल उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो ट्रांजिशन था, जो आपको दिख रहा था प्रीव्यू, उससे आप नॉर्मल कॉल में बड़े ही इजिली स्विच कर गए हैं, और इसमें कोई भी कनेक्शन के लिए आपको टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा उठा लिया, हाँ आवाज आ रही है, मैं दिख रहा हूं, मैं नहीं दिख रहा हूं, वो वाली बातें जो भी हैं वो डुओ से निकल जाती हैं। इसको गूगल ने ऐसा कहा है कि ऑप्टिमाइज किया गया है जो नेटवर्क्स थोड़े लो स्पीड के हैं उनके लिए भी, ताकि आपको जो कॉलिंग क्वालिटी मिलेगी वीडियो में हम बात करते हैं तो वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी होने वाली है। तो ये जो फीचर है, हालांकि इतना कुछ बड़ा फीचर नहीं है कि आपको लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है, वो एक सिंपल चीज है, लेकिन फिर भी आज से पहले किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरीके से आप इस चीज को देख पाएंगे और आप इसको कितने अच्छे से यूज कर पाएंगे। दोस्तों गूगल की एलो और डुओ ये दो एप्लीकेशन थी जो मुझे उम्मीद है कि आपको आने वाले टाइम में पसंद आएंगे और आप इनको यूज कर पाएंगे। अभी मेरी अपकमिंग वीडियोस में आप जान सकते हैं
गूगल के आयो में और क्या क्या अनाउंस हुआ उनके बारे में, तो उनको देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।